मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से लग रहा है। ये देखिए, न्यूट्रल का पॉइंट आ गया है। Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. One way, one love, one snatch, one fury, one moment, one chance, one expert. दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय 1xbet। तो ये प्रकार की बैटिंग साइड या वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बैटिंग वगैरह करने से कुछ प्राइस वगैरह मिलेगा। सो मैंने इसका आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और जैसे इस लिंक के ऊपर आप जाके इसको साइन अप करेंगे तो आपको $100 का बोनस मिलेगा और आपके फर्स्ट डिपोजिट के ऊपर। सो जरूर जाके चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो अंदर अपन इंस्टॉल करेंगे डिजिटल मीटर। और ये डिजिटल मीटर वैसे नहीं कि कोई अलग से एक सिंगल पेस या राउंड कलर का, वैसे नहीं है, एक प्रॉपर डिजिटल मीटर है। ये है पल्सर 135 का। आप लोगों की इससे रिलेटेड बहुत डिमांड थी कि भाई ये वाला मीटर हमको देखना है कि बाइक में कैसे लगेगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताऊँगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है कनेक्शन, तो इस वजह से वीडियो लंबा होगा। और जिसको भी पर्सन को लगाना है तो वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो मीटर है, मीटर की जो कॉस्ट है वो 2500 रुपये है और उसके साथ एक सेंसर वगैरह लिया मैंने, तो अराउंड मुझे 3000 रुपये का खर्चा कुछ आ गया इसके अंदर। और दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है इस लुक को भी। वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। और ये जो मीटर है मैं लॉन्ग टर्म तक नहीं रखूँगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को कुछ चेंजेस करने होते हैं, फिर मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा ये रखना भी। और अगर किसी पर्सन को चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मेरा आईडी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी पर्सन को चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा क्योंकि नया ही लिया मैंने पीस और डायरेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया है। जिसको भी चाहिए होगा मैं उसको दे दूंगा। आपको जो भी रहेगा पेटीएम गूगल पे करना है वो आप कर सकते हैं। एंड अब आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिजिटल मीटर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने को फ्रंट वाइजर ओपन करना होगा, हेडलाइट निकालनी होगी, सभी चीज़ें अपने को बाहर निकालनी होगी जिससे कि आपको मैं इजीली वायर दिखा सकूं। फ्रंट वाइजर ओपन कर लिए, इसे बाहर निकालते हैं। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने डिजिटल मीटर इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक वीक हो गया इसको टेस्ट करते को। सो वापस मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, वो आप चीज़ छोड़ दीजिए। और जहाँ पे ओरिजिनल जो मीटर लगा होता है वो भी ईजिली खुल जाएगा। सो ये जो मीटर सपोर्ट कवर देख रहे हैं तो इसके ऊपर अपना स्प्लेंडर का ओरिजिनल मीटर लगा होता है, उसको कैसे खोलना होता है, नीचे तीन अपने को नट बोल्ट मिलते हैं, उसको अपने को लूज़ करना होता है, अपने जो मीटर है वो निकल जाता है सीधा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो कवर आता है एक पुराना, जो मैंने उस कवर को लिया उसको यहाँ से कट किया, उसके अंदर जो ओरिजिनल मीटर है वो फिक्स कर दिया। और ये जो ओरिजिनल मीटर कवर होता है जो स्प्लेंडर वाला है उसके ऊपर इसको लगा दिया ताकि यहाँ से गैप भी ना लगे और थोड़ा अजीब ना लगे। वायरिंग करने के लिए अपने को लाइट भी खोलनी होगी। सो 12 नंबर की इसे लाइट खुल जाएगी इजिली, तो मैं खोल लेता हूँ। ये लाइट इसको बाहर निकाल लेते हैं और रखते हैं इसे साइड में। अब जो वायरिंग है वो आप देखिएगा कैसे है, और काफ़ी ज़्यादा वायरिंग है तो थोड़ा मेरे लगता है वीडियो लंबा बनेगा इसका, काफ़ी अच्छा देगा बाइक को। और बहुत लोगों ने मतलब इस वीडियो को, मतलब जो मैंने मीटर लगाया इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और ये जब मैं खुद बाइक चलाता हूँ रात को यार काफ़ी अच्छी लगती है ये, और मेरे हिसाब से स्प्लेंडर के अंदर ऐसी चीज़ें होती पहले से, तो ये बाइक काफ़ी अच्छी सेल होती, अभी भी अच्छी सेल होती है, बट कोई ना अपने अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ ये मीटर खोल के दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे फिक्स किया था और फिर वायरिंग करेंगे। सो ये वो मीटर जो मैंने लगाया था, आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये कवर था, यहाँ से मैंने दो होल किए थे और ये कवर को फिक्स किया था। कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये मीटर कैसे फिक्स किया आप देख सकते हैं, ये जो मैंने साइड से कट कर लिया था, जो इसके नीचे ओरिजिनल मीटर जो कवर आता है नीचे की तरफ सपोर्ट वाला, ये वो है, इसको साइड से कट किया था ताकि यहाँ से जो स्पेस है वो दिखे ना और थोड़ा वायरिंग वगैरह ना दिखे और अजीब ना लगे। इसको भी रखते हैं साइड में। और आप जैसे कि देख सकते हैं मीटर मैंने कैसे फिक्स किया, ये एक लोहे का पार्ट है, ठीक है। इसके नीचे जो सपोर्ट होती है ना, जहाँ मीटर लगता है उसी के ऊपर यहाँ पे मैंने इसको वेल्ड किया, ये देखिए यहाँ से इसको वेल्ड किया, और उसके बाद ये मीटर को यहाँ पे टाइट किया, ये देखिए एक यहाँ पे, दूसरा स्क्रू, ये थर्ड और ये फोर्थ, और कुछ इस तरह से मीटर फिक्स हुआ, ठीक है। और अब वापस अपने को क्या करना है, ये कवर लगा देते हैं साइड में, देख सकते हैं कवर लगा दिया और इसके ऊपर वाला कवर भी ये लग गया। तो दिखने में देख सकते हैं आप लुक अच्छा आ रहा है, पूरा कवर हो गया और यहाँ पे अपना वाइजर आ जाएगा तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। सो वापस इसको टाइट कर देता हूँ मैं। और यही था जो पूरा मीटर है, ये मीटर है ना
2500 रुपये का मीटर आता है, और ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, एक साल हो गया मुझे लिए को, और मुझे तो सस्ता मिल गया था, ये नया ही लिया था मैंने भी। और अब इसकी जो वायरिंग है वो बताता हूँ इसको कैसे करना। तो ये मीटर है, डिजिटल मीटर पूरा मैंने खोल लिया। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एक वायर बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ आपको बताऊँगा, जब भी आप न्यू मीटर लेंगे तो आपको ये जो नीचे इसके जो सॉकेट लगता है ये आपको अरेंज करना होगा, कि ये आपको बाई न्यू मीटर के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वायरिंग होती है अलग होती है, वो स्विच नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे केस में तो मुझे नहीं मिला। अदरवाइज़ आपको मिल जाए तो ठीक है, बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लिया, 200-300 रुपये लगे और ये मेरा अरेंज हो गया, ठीक है। अब जो कनेक्शन है वो कनेक्शन देख लीजिए। तो सबसे पहले अपने करेंगे इंडिकेशन के कनेक्शन, जो मीटर के अंदर इंडिकेशन की लाइट आएगी उसके कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रही है ग्रे कलर की वायर एंड ग्रीन वायर। इस ग्रे कलर की वायर को अपने को लगाना है इंडिकेशन के अंदर। तो इन दोनों के साथ पहले मैं एक एक्स्ट्रा वायर अटैच कर लेता हूँ, और जो भी आप वायर अटैच करें उसके बाद उसके ऊपर टेप जरूर कर लीजिए, अदरवाइज़ वो किसी बॉडी पार्ट के टच हो गए वायर जल सकती है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स ये हो गया, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, इन दोनों आप कनेक्शन करना है इंडिकेटर के पॉइंट के अंदर। सो ये ग्रे कलर की वायर है, इसको अपने लगाएंगे आइस ब्लू कलर की वायर के अंदर, यानी कि जो लेफ्ट साइड का इंडिकेशन है, ये देखिए, इसको अपने यहाँ से डाल देते हैं अंदर। ये है राइट कलर का इंडिकेशन, जो कि लगेगा अपनी ऑरेंज कलर की वायर के अंदर। तो ये है नीचे की तरफ, ये देखिए ऑरेंज कलर की वायर, इसको डालना है इसके अंदर कुछ ऐसे। सो ये हो जाएंगे इंडिकेशन के कनेक्शन। अब अपने को करना है पार्किंग का कनेक्शन, यानी कि जैसे कि अपने पार्किंग ऑन करते हैं तो मीटर के अंदर एक लाइट चलती रहती है ना, तो उसका कनेक्शन करना है। उसका कनेक्शन करने के लिए आप ये जो रेड वायर देख रहे हैं, इस वायर के साथ अपने को एक वायर अटैच करनी है। आपको दो रेड वायर मिलेगी, पर वो दोनों अलग वायर होंगी, एक प्योर रेड है और एक रेड एंड ब्लैक है। अपने को जो प्योर रेड है उसके अंदर कनेक्शन करना है, एंड वायर को अटैच करके आपको नीचे की तरफ एक ब्राउन कलर का सॉकेट मिलेगा, उसके अंदर इसको लगाना है कुछ इस तरीके से, और ये अपना पार्किंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सो अब अपने करते हैं हाई बीम का कनेक्शन। तो उसको कनेक्ट करने के लिए अपने को ये जो रेड एंड ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं उसके साथ एक वायर को अटैच करना है, एंड आपको लगाना है ब्लू कलर की वायर के अंदर, जो अपनी मेन लाइट की ब्लू कलर की वायर होती है ना, उसके अंदर लगाना है इसको, ये जैसे मैंने किया अटैच। ये रहा अपना जो मेन लाइट का सॉकेट होता है, इसकी जो ब्लू कलर की वायर है इसके अंदर इसको अटैच करना है और लगाना है इसको। सो ये भी हो गया फिक्स, और ये रही इसकी वायर, इसको लगा दिया इसके अंदर। अब इसके ऊपर भी टेप कर लेता हूँ। अपने करते हैं अर्थ का कनेक्शन। उसको करने के लिए अपने क्या करना होगा, जो मीटर के अंदर से वायर आ रही है ब्लैक एंड येलो, इसके साथ मैंने क्या किया, एक वायर यहाँ पे अटैच कर दी है, ठीक है। ये देखिए सेम कलर ही कर दी ताकि आपको ये ध्यान में रहे। तो यहाँ पे इसको कट किया, इसके साथ एक वायर अटैच की, उसके ऊपर टेप कर दी। अब इसको करना है अर्थ, और मतलब एक वायर के दो पीस हो गए, तो इसको करना है ऐसे और इसको करना अपने को अर्थ। आप चाहें तो किसी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाएगा एक सॉकेट, इसके अंदर आपको ये वायर लगानी है। नहीं, वाइट कलर की वायर है, इसको लगाना अपने को जो अपना इग्निशन स्विच होता है उसकी रेड कलर की वायर के अंदर। ये रही रेड कलर की वायर, इसको लगाना है इसके अंदर। तो इसके साथ क्या करना है, एक वायर को एक्स्ट्रा अटैच कर लेता हूँ मैं, एंड देन इसको ले जाते हैं अपने रेड कलर की वायर के पास और इसको लगा देंगे इसके अंदर। आप चाहे तो सॉकेट खोल के भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट एक बार सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे, बाद में मैं इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगा। सो ये हो गए इसके कनेक्शन। सो ऑलमोस्ट कनेक्शन हो चुके हैं, तो अपने 6 वायर रह गए हैं, 3 वायर इस तरफ हैं और 3 वायर ये रही। सो ये जो 2 वायर देख रहे हैं आप, येलो एंड वाइट एंड ग्रीन, इन दोनों के साथ मैंने सॉकेट अटैच किया, और सेम नीचे की तरफ सेम कलर की वायर मिलेगी, उसके अंदर इसको लगाना है। ये न्यूट्रल का पॉइंट है, जिससे कि अपना जो मीटर है उसके अंदर न्यूट्रल का पॉइंट शो होगा। ब्राउन कलर की वायर है, इस वायर के साथ मैंने एक वायर को अटैच किया और इसको दिया मैंने करंट, और ये ब्लैक कलर की वायर है, एक सॉकेट मिलेगा ये रहा ब्लैक कलर की वायर है, जिसके अंदर अपने को करंट देना है, और ये जाएगी डायरेक्ट इसके अंदर। स्पीडोमीटर की जो रीडिंग आई उसके लिए अपने को कनेक्शन करना है। सो ये वहाँ पे मैंने वो लगा दिया सेंसर जो स्पीड को डिटेक्ट करेगा, और ऊपर की तरफ कुछ ये है सॉकेट। इसके अंदर काफ़ी वायर थी, अपने सिर्फ 3 वायर की ज़रूरत है,
येलो एंड ब्लैक, वाइट एंड रेड, एंड एक ही प्योर रेड। तो इसका कनेक्शन करना है अपने को मीटर की वायर के साथ। सेम ऊपर की तरफ अपने को वायर मिलेगी, ये कलर की देखिए आप, येलो एंड ब्लैक। इस ब्लू को लगाना है अपने को इस वायर के अंदर, और ये रेड एंड वाइट जाएगी प्योर रेड के अंदर। तो इन तीनों का कनेक्शन कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं बाद में टेप कर लूँगा। और जो लास्ट कनेक्शन रहता है वो रहता है अपने RPM का। RPM का कनेक्शन करने के लिए आपको मीटर के अंदर ब्लैक कलर की वायर मिलेगी, ये रही वो ब्लैक कलर की वायर। इसके साथ मैंने एक वायर को अटैच किया, और जो पेट्रोल टैंक के नीचे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये मैंने बहुत बार वीडियो में दिखाया हुआ है ये पॉइंट कौन सा कलर का पॉइंट है। इसके अंदर नीचे आपको वायर मिलेगी जो कि होगी सेम ये कलर की वायर, येलो एंड ब्लैक। बस इस वायर को उसके अंदर लगाना है, RPM का कनेक्शन हो जाएगा फिर। और ये वाले कनेक्शन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये जो मैंने सेंसर है, ये सेंसर लगाया मैंने पल्सर 135 का, जो आती है पुराना मॉडल था उसका मैंने लिया ही, और मुझे सस्ता ही मिल गया था, सेकेंड हैंड था ये पीस। और ये मीटर तो बिल्कुल न्यू था। और मीटर आपको मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से लग रहा है। ये देखिए न्यूट्रल का पॉइंट आ गया है, पेट्रोल बाइक में है नहीं इसलिए तो लो फ्यूल का इंडिकेशन है। और मैं काफ़ी देख लिया, 21 किलोमीटर मैं चला चुका, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको। और आपको यानी जैसे आप पेट्रोल डलाएँ पेट्रोल शो हो जाएगा। RPM का मैंने कनेक्शन कर दिया है, और इसके अंदर लाइट देख सकते हैं आप चल रही है। और ये स्विचेस का आपको पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जैसे अपने ऑफ़ करेंगे ये देखिए ऑफ हो जाएगी लाइट, और जैसे ऑन करेंगे ये ऑन, और ये इंडिकेशन। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और सब कुछ आपको मैं पैक करके फिर दिखाता हूँ कि फाइनल लुक कैसा आएगा। और फिर जो नाइट के अंदर और डे की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ। सो मीटर एकदम फिक्स बिल्कुल लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप की को करते हैं ऑन। सो अब ये देखिए, और यहाँ पर देखिए जैसे न्यूट्रल का इंडिकेशन शो हो रहा है, और पेट्रोल नहीं है तो इसलिए लो फ्यूल का इंडिकेशन भी आ गया। और जैसे अपने गियर डालेंगे न्यूट्रल ऑफ या ऑन, और ये है पास का हाई बीम लो बीम। के लिए सबसे पहले अपने वो लाइट जगानी पड़ेगी, और जैसे अपने पार्किंग पे करेंगे लाइट लाइट चल चुकी है इसके अंदर, और ये लाइट मैंने जला दी है। ये देखिए हाई बीम लो बीम, और ये इंडिकेशन देख सकते हैं आप। नाइट के अंदर इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है मीटर, और आप देख सकते हैं कि लाइट फुल डार्क एरिया है, और कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। और ये हो जाएगा ऑफ, अगर पार्किंग करेंगे अपने ऑन तो ही ऑन हो गई लाइट। और ये इसका मीटर है RPM, और ये डिजिटल मीटर इसका इस तरफ है ये देखिए, और सब कुछ वर्क कर रहे हैं अभी तक तो। और ये है इसका पास वगैरह। अब जो रनिंग कंडीशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, रनिंग कंडीशन में किस तरह से अपने को लगेगा। साइड एंगल और अपर एंगल दो तीन एंगल इसके आपको मैं दे देता हूँ। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे क्या जो मेरे प्रॉपर अपडेट है वो भी आपको मिल जाएंगे कि कौन सी वीडियो कब आ रही है, और जो भी अपडेट में ज़्यादातर मेरा अपडेट उसी के ऊपर आता है, क्योंकि और मेरा कोई सोशल हैंडल नहीं है तो इंस्टाग्राम भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से सपोर्ट मिलता है। और एक नई वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसके अंदर भी कुछ अच्छा करूँगा। सो टिल देन।